वेलकम टू द बिग बेंच डेली। जिस दिन राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पास होना था, उसी दिन राज्यसभा से मनमोहन सिंह की एक तस्वीर सामने आई जो चर्चा का विषय बन गई। दरअसल मनमोहन सिंह व्हील चेयर पर संसद में आए थे। अब सवाल यह हुआ कि कांग्रेस मनमोहन सिंह को व्हील चेयर पर संसद क्यों लाई? उनकी तबीयत जब इतनी ज्यादा खराब थी तो फिर उन्हें संसद में लाना इतना जरूरी क्यों था? कई बार हमारी नजरों के सामने कई ऐसी तस्वीर गुजरती है जो हमें झकझोर देती है या फिर सोचने पर विवश कर देती है कि यह तस्वीर हमने क्यों देखी। ऐसी एक तस्वीर 7 अगस्त को दिखी, जगत ही देश की राज्यसभा का सदन, और तस्वीर थी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की। 90 बरस की उनकी उम्र झक सफेद हो चुकी थी, शरीर में इतना ताप नहीं था कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। व्हील चेयर ही उनका आसन था, न कुछ बोल सकने की स्थिति में थे और न ही कुछ सुनने की क्षमता। मगर राज्यसभा में मनमोहन सिंह दिखे। मनमोहन सिंह का दिखना भारतीय राजनीति की दो विचारधाराओं का उफान मारना हो गया। बीजेपी ने इसे लपक लिया। बीजेपी की ओर से कहा गया कि देश कांग्रेस की इस सनक को याद रखेगा। अपने बेईमान गठबंधन को जिंदा रखने के लिए कांग्रेस शारीरिक रूप से अस्वस्थ पूर्व पीएम को संसद तक ले आई। लेकिन कांग्रेस भी कमजोर नहीं थी, उसने बीजेपी पर दो तरह से पलटवार किया। एक तो यह सवाल किया कि 2007 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जब अटल बिहारी वाजपेयी अस्वस्थ थे तब बीजेपी अटल जी को वोट कराने के लिए ले आई थी, तब बीजेपी की क्या सामंती सनक थी? यह तो बीजेपी के वार पर पलटवार था। मगर बड़ी ही चतुराई से कांग्रेस ने मनमोहन सिंह के संसद में आने को बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि चरण चुंबकों की फौज एक्टिव की गई है, लेकिन गिद्धों कितनी भी कोशिश कर लो, सच यह है कि डॉक्टर साहब का सदन में होना तुम्हारे आका की कायरता की पोल खोलता है। यह है डॉक्टर साहब की लोकतंत्र में आस्था, और एक तुम्हारे जुमलावीर हैं जो सदन से मुंह छुपाए भाग रहे हैं। यह सीधे सीधे पीएम मोदी पर हमला था। यहां आपको बताना जरूरी है कि सबको मालूम था कि दिल्ली सेवा बिल पास हो जाएगा क्योंकि बीजेपी के पास जरूरी संख्या बल है। उसके बावजूद मनमोहन सिंह को व्हील चेयर पर संसद में लाया गया। ठीक इसी तरह से 2007 में बीजेपी को मालूम था कि एनडीए के तब के राष्ट्रपति उम्मीदवार भैरव सिंह चुनाव हारेंगे, उसके बावजूद वो अटल जी को वोटिंग कराने ले आए थे। लेकिन राजनीति से इतर ये सवाल आज सोशल साइट्स पर पूछा जा रहा है कि अपने फायदे के लिए क्या बुजुर्ग और अस्वस्थ नेताओं को इस तरह से संसद में लाना क्या नैतिक है? सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठने भी चाहिए। मगर द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि अगर एक वोट से आपकी हार जीत का फैसला होना था तो मान भी लिया जाता कि आप अपने बुजुर्ग नेता को वोट कराने के लिए ले आए, लेकिन जब आपको मालूम है कि हार निश्चित है तो फिर उन्हें बेवजह क्यों परेशान किया गया? ये कितना सही है? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।